हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब आप? आज हम वैष्णो देवी के यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख रहे हो कि यह पीछा है या अर्धकुंवारी पे जाने का रास्ता है, ये और वैष्णो देवी जाने का भी रास्ता है। आप ये देखेंगे, देखें वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनका सारे दिल से धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। अभी ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, ये पूरा बाजार है। वहाँ से आप देख सकते हो ये ऊपर जो मंदिर दिख रहा है आपको वाइट वाइट वाला, वो अर्धकुंवारी है। अब हमें वहाँ पर जाना है। हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है, अब हम यहाँ से चल रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए रास्ता है ये, देखो। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट रास्ता भी जाने का है, और जो लंबा रास्ता है वो भी जाने का है। वहाँ से अगर शॉर्टकट जाते हैं तो हम पैड़ियों से जा सकते हैं। अगर थोड़ा लंबा जाना है अर्धकुंवारी तक या कैसे भी जाना है, तो ये अर्धकुंवारी तक टेम्पो वगैरह भी जाते हैं, जो कि रास्ता वो ये इधर से ये इधर है रास्ता। ये देखो यार, ये लंबा रास्ता है यहाँ से। अब बढ़िया रास्ता बन गया है ये जाने के लिए। अगर हमें जल्दी जाना है तो हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा रास्ता इधर से है ये पैड़ियों का। ये मेन रास्ता यही है, यहाँ से जाएंगे हम जहाँ से, ये मेन रास्ता वहाँ तक यही है। मैंने सोचा दूसरा है तो जो शॉर्ट रास्ता है वो आगे आएगा, हम आगे से चलेंगे। फिर आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद फिर दिखाते हैं हम आपको। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलो हम चलते हैं। यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा पब्लिक है, जाने लग रही है। अभी ये जाने लग रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। हम पूरा कैचअप तो नहीं करेंगे, लेकिन सही कर लेंगे। ये आप देख सकते हो कि यहाँ से लाइन, एंट्री की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे पर्ची चेक होती है, जहाँ वहाँ पर पर्ची कटवा के लेके आते हैं, वहाँ पे चेक होती है। यहाँ से एंट्री शुरू हो गई है, यहाँ चलने लग रहे हैं लाइन पे। अभी आप हम चल रहे हैं यहाँ पे, हम देखने लग रहे हैं, देख लें। यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छे चल रही है, कर लेंगे। मम्मी तो ना इधर कर, अपनी अपनी ले पर्चियां। अब ये देखो वहाँ से ऊपर तक है ये, यहाँ तक पूरा जाएंगे। चलने लग रहे, जो हमारे साथी थे या जैसे थे वो पहले आगे चले गए, क्योंकि मैं थोड़ा नहाने के लिए रुक गया था यहाँ पे, तो पहले निकल गए हैं। अब देखो मुझे वो कहाँ पे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, चलो देखते हैं। अच्छा मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर एंट्री पॉइंट मतलब वैक्सीन की पर्ची, जो जिस वैक्सीन लगवा रखी है या कोविड का टेस्ट है वो, उसकी पर्ची चेक करेंगे यहाँ पर। पर्ची चेक करने के बाद यहीं से एंट्री है, उसके बाद फिर पीछे जाने के बाद फिर अर्धकुंवारी तक पहुँच जाएंगे। वहाँ तक जाने के लिए देखो आप, ये देखो रीचिंग लिप पॉइंट है ये। यहाँ पे फिर चलने के बाद ये आप देख सकते हो अपना बैग और सामान, मतलब इसमें चेक करवाना। फिलहाल चेक करने के बाद बैग वेरीफाई होने के बाद फिर हम वापस पीछे मिलेगा, मिलने के बाद फिर हम चल पड़ेंगे। फिर उसके आगे हम आपको दिखाते हैं फिर क्या करते हैं। ये मशीन लगी हुई है यहाँ पे, हम चेक होके जाएंगे। जाने के बाद वेरीफाई होने के बाद फिर हो जाएंगे। हमारी एंट्री हो गई है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए चार प्रकार से जा सकते हैं, जैसे कि पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ये घोड़े भी खड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो घोड़े की यात्रा भी कर सकते हैं घोड़े पे, और घोड़े पे यात्रा करने के बाद लगा लो यार यहाँ पे उड़न ट्रोले से भी ऊपर जा सकते हैं, जैसे ट्रोलियाँ होती हैं उससे भी ऊपर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से हेलीकॉप्टर से भी ऊपर जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे होते हैं,
हेलीकॉप्टर का किराया शायद उतना 1600 रुपये है, ऊपर ले जाके छोड़ देंगे एक साइड का, और घोड़ों का किराया 650 रुपये है। अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, देख रहे हैं ये आप, ये यहाँ पर मंदिर देख सकते हो, और ये यहाँ पे चेयर वगैरह करके फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो आप, यहाँ पे मोदी के साथ भी फोटो खिंचवा सकते हैं, बाहुबली के साथ भी खिंचवा सकते हैं। ये देखो ये सारे उस पर ही हैं, वहाँ पे एक से एक फोटो खिंचवा सकते हैं यहाँ पर। अब वैष्णो देवी का ऊपर जाने के लिए या अर्धकुंवारी के ऊपर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए दो रास्ते हैं, एक की तो चढ़ाई ऊपर से है जैसे, और एक जो पुराने वाला है या नए बनाया है, ये यहाँ से रास्ता है, इसमें मतलब जल्दी पहुँच जाते हैं। इसमें बस 2 किलोमीटर का ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और उसमें थोड़ा कम पड़ेगा, इसमें चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, बस इसमें 2 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा बस, सिर्फ इतना ही है, लेकिन इसमें चढ़ाई नहीं है, इसलिए हम यहीं के चलेंगे, यहाँ से चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पे बच्चों के मुंडन वगैरह होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं या कैसे भी, वहाँ से थोड़ा सा जाएंगे यहाँ पे, ये होता है यार, देख रहे हैं जा रहे हैं पुराने रास्ते पे, वैसे तो वो है, लेकिन जाना पुराने रास्ते से आसान भी है या वो भी है, देखते हैं। अब यहाँ पे स्नान भी होता है देखा, और ये बच्चों के मुंडन होते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे, ये चल रहे हैं पानी, यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं, यहाँ पे जा भी सकते हैं। ऊपर से वहाँ पे चढ़ाई है जाने का रास्ता, और यहाँ पे लड़ाई है, मतलब है रास्ता ये एक ही, मतलब दो रास्ते बना दिए एक उस पर है, लेकिन इसमें सॉन्ग वगैरह नहीं बज रहे, उसमें नए वाले में बज रहे हैं, ये नया बनाया है, ये नए वाला है, वो पुराने वाला है, जो चढ़ाई है उस पर ज़्यादा। चलो देखते हैं, अब चलते हैं, ये थोड़ा बहुत चलने के बाद जैसे दो तीन किलोमीटर चलते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद ये फिर यूनू ट्रक का रास्ता है, ये यहाँ से अच्छा बना रखा है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, देखो पीछे है ये बिल्कुल, अभी ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे, ऐसे नू जाएंगे तो वहाँ से आएगा, मतलब पूरा वो बना दिया है, ये नया रास्ता यहाँ से यात्रा करने के लिए आ सकते हैं, तो देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा रुक के चलेंगे तो थोड़ा बॉडी को भी आराम मिल जाता है, फिर चलने पड़ता है, इसलिए बहुत सही है, यहाँ से 3 किलोमीटर तो चल पड़े, 7 किलोमीटर और है अभी दोबारा यहाँ से, अभी 7 किलोमीटर और चल पड़ेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे, फिर पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर से वहाँ तक है, ये यहाँ पे न्यू ट्रैक ट्रैकोट मार्ग का और दिखा रखा है, ये यहाँ से ऊपर तक है, ऐसे चलते हैं, शिव माता वैष्णो देवी की एम्बुलेंस भी है यहाँ पे, और भी है सारा क्या है, ठीक हो, बोर्ड बाड़ भी है यहाँ पे, यहाँ पे भी दोबारा फिर पर्ची चेक होएगी, एक बार तो हम चेक करवा के आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी दोबारा भी आएगी, चेक कराएंगे अभी, ये देखो ये यहाँ पे बैग चेक हो रहे हैं, यहाँ पे दोबारा फिर बैग चेक होएंगे, बैग चेक होने के बाद कोविड का वगैरह का टेस्ट होगा, यहाँ पे चेक कर रहे हैं वैक्सीन है या नहीं है, चलो कोई नहीं अभी दिखाते हैं इन्होंने भी। हम अभी तक अर्धकुंवारी तक भी नहीं पहुँच लिए हैं, तो ये बीच में पानी की व्यवस्था कर रखी है, सब कुछ पानी वगैरह मिलने की फ्री में है, दबाओ पानी भरो या पियो जैसे भी है, आपको हम दिखाएंगे, देखो कितना दूर दूर तक
कितना दूर दूर तक आप देख सकते हो, कितना अच्छा पहाड़ है। ये देखो, ये है वाटर पानी के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ता। पानी देखते हैं पानी, ये पानी बिल्कुल चिल्ड है, मैंने भी लिया है अभी थोड़ा सा, तो पानी बिल्कुल चिल्ड था। यहाँ पे अच्छा भी है, ये नए रास्ते से तो कम लोग जाने लग रहे हैं, लेकिन पुराने रास्ते से बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। वहाँ पे भीड़ भड़ाका का इलाका, गाने वहाँ भी बज रहे हैं, इन्होंने यहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे चिलचिलाहट थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पे मज़ा आता है, यहाँ पे थोड़ा कम ही चल रहे हैं। हम अर्धकुंवारी के रास्ते तक आधे तक बीच तक आ गए हैं, अभी तक अभी बहुत ज़्यादा ऊँचे रह गया है अर्धकुंवारी, कुछ किलोमीटर और दिखने लग रहा है। और सामने जो वाइट टेंपल है वो अर्धकुंवारी का ही है, अब वहीं पे जाके रुकेंगे हम, देखते हैं फिर। ये देखो, यहाँ से पूरा खतरा दिख रहा है नीचे तक, हम बहुत ऊँचे आ गए हैं अब। यहाँ पे नीचे खाइयाँ दिख रही हैं सारी, आप ये देख सकते हो, देखो पूरा, देखो पूरा वहाँ तक हुआ है। हम आपको हेलीकॉप्टर भी दिखा देते हैं, जाने लग रहा दिख रहा होता आपको, ये वहीं पे छोड़ता, लेकिन वहाँ भी थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, 2-1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, तो इसलिए हम हेलीकॉप्टर से या ट्रॉली से नहीं आए, नहीं तो हम बहुत जल्दी भी पहुँच जाते अभी तक तो, लेकिन आए हैं तब थोड़ा पैदल का भी मज़ा ले लेना चाहिए, इसलिए हम पैदल चल रहे हैं। तो हमारे मेरे लक्की हुड्डा चैनल पर आप बने रहिए और देखते रहिए, वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हैं, आपको भी कराएंगे, न्यू अपडेट भी बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये देखते रहिए। ये आप देख सकते हो, यहाँ से पहाड़ी पहाड़ दिखने लग गए हैं, जो ये नीली नीली पट्टी में जो दिख रहा है ये अर्धकुंवारी का, यहाँ से घूम घूम के रास्ता जाएगा। ये ऊपर देखो, यहाँ से घूमेंगे ऊपर जाएंगे, और जो ऊपर जो टेम्पल है वो अर्धकुंवारी है, अर्धकुंवारी से जो ये सामने देख रहे हो आप, ये पुराना रास्ता ही है, वहाँ से लेकर जो वाइट वाइट दिख रहा है उसको ऊपर सीधा मंदिर के ऊपर जाता है वो, तो इसमें ये थोड़ा ज़्यादा 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है उससे, लेकिन उसकी चढ़ाई ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ से जाने लग रहे हैं अब यहाँ से, ये देखो अब ये रास्ता यहाँ से ऐसे घूमेगा चला जाएगा। गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी भी है, लेकिन शाम को यहाँ पे ठंड लगेगी, मौसम अच्छा है, ऐसा यह नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड है या बर्फ़ पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठंडा ही मौसम है, गर्म मौसम है गर्मियों की तरह। ये यहाँ पे जगह जगह पर टीने लगी हुई है आराम करने, जैसे अर्धकुंवारी पे हम जाते हैं ना, तो बीच रास्ते में लंगर की सुविधा है, ये इस लंगर पर हम जैसे अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जाते हुए जैसे ही यहाँ पे और भी लोग खड़े हुए हैं, ये तो लंगर में यहाँ पे यहाँ से ये देखो, ये लंगर में यहाँ पे ये रास्ता है, यहाँ पे कोई मतलब कोई पेड़ नहीं है, यहाँ पर अपना दान देना चाहो तो आप दे सकते हो यहाँ से, लेकिन थाली उतारने पड़ती है, थोड़े से चावल मिलते हैं, थोड़े से चावल मिलने के बाद दाल मिलती है, उसके साथ पेठे की सब्ज़ी मिलती है थोड़ी सी, उसमें जाने के बाद ये खाते हैं, खाने के बाद फिर ये बैठने की भी सारी इनकी सुविधा है ये यहाँ पे यहाँ से, लेकिन फिर खाने के बाद हमने अपना खुद यहाँ से जाके खुद बर्तन धोने पड़ते हैं इसमें, लेकिन सुविधा बढ़िया है, खाने का भी अच्छा है ये यहाँ पर पूरा है। आप दान देना चाहो तो 20-10-20 रुपये कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे दान के, लेकिन इस पर ये है लंगर है, यहाँ पे ये है फ्री में, आओ तो कभी जरूर खाना। ये नए रास्ते पर जो नया रास्ता बनाया ना उस पर अर्धकुंवारी के बीच में ये रास्ता है, यहाँ पे मिलता है, आप जितना भी खाओगे जी भर के खाओ, लेकिन बचाना नहीं है, अगर बचाओगे तो ये वापस बोल देंगे कि सब पूरा फिनिश करो, वेस्ट करना मना है।
चलो हमारे लिए साथ बने रहिए। हमने खाना खा लिया, अब खाना खा के बाद हम वापस निकल रहे हैं। दाल मिली थी चने की, अच्छी लगी, चने की दाल थी और चावल थे, बहुत अच्छे चावल लगे। और इसके साथ मीठी और पेठे की सब्जी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब हम दो यात्रा के लिए दोबारा फिर निकल लिए हैं यहाँ से। अब अर्धकुंवारी पे ही जाके रुकेंगे हम। वैसे बीच बीच में रुक रुक के खा लेना चाहिए, नहीं तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी भी हम पहुँचे नहीं, अर्धकुंवारी पे भी नहीं पहुँचे, अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। अर्धकुंवारी पे भी पहुँचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम चल रहे हैं, पहुँच के अभी आ जाते हैं, फिर दर्शन करेंगे। आज तो हम वहीं पे रुकेंगे, ऊपर ही ये दर्शन करके आ गए हैं। हम जाने लग रहे हैं, अभी देखो कितना टाइम लगेगा, होंगे तो जल्दी ही आ जाएंगे। तो हमारे चैनल पर ये टूरिस्ट की वीडियो देखने के लिए तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। ये नए रास्ते से हम नए रूट से हमारा अर्धकुंवारी तक आ गए हैं। ये हमारे अंकल जी हैं, यहाँ पे हमें मिले हैं। ये अपना नाम बताएगी। अरे यहाँ पे आने के, अंकल जी आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ से आप सीधा कहाँ पे जाओगे? अब यहाँ से जाएंगे भवन पे, सीधा डायरेक्ट भवन। नए रास्ते अंकल जी बोल रहे हैं, नए रास्ते से ही हम भवन जाएंगे। आते आते वहाँ तो बहुत ज्यादा हो गया था, तो हम यहाँ पे अर्धकुंवारी पे बीच में आ गए हैं। ये देखो वहाँ पे अर्धकुंवारी के बाद अभी यहाँ पे थोड़ा देर के लिए आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर नीचे अंकल की फैमिली रुक गई है, वो आने वाले के बाद फिर भवन जाएंगे। यहाँ पे अर्धकुंवारी पर हम आ गए हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। ये देखो ये सुरक्षा जो लंगर है, वहाँ से ये चार किलोमीटर 200 मीटर की दूरी पर है ये अर्धकुंवारी के बीच में। हम यहाँ से आए, ये यहाँ से आने का रास्ता पुराना है, ये पुराना रास्ता है, अब ये बना है, ये नया है। अब यहाँ से नया भी ऊपर जाने के लिए भवन में नए रास्ते से जाएंगे तो ऊंचाई का वो करना पड़ेगा। अगर पुराने से जाएंगे तो हमें ऊंचाई में जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर, फिर हम भवन में पहुँच जाएंगे। अर्धकुंवारी तक पहुंच गए हैं। अब है कि ये यहाँ पर भवन जाने का रास्ता है, अब हम भवन भी जाएंगे ऊपर। पहले अर्धकुंवारी तक थोड़ा देर रुक लेते हैं, उसके बाद ही हम जाएंगे भवन में। ये बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा, थोड़ा सा थक गई है, रात उसमें रह गया, 3-4 किलोमीटर रह गया, उसके बाद जाने के बाद ही जाएंगे। ये जो मैंने अंकल दिखाया था आपको, ये वो है, ये तो सीधा भवन जाएंगे, अर्धकुंवारी नहीं जा रहे। तो जो हमारे साथ मतलब जिसके साथ हम आ रहे हैं या मैं आया हुआ हूँ, वो अर्धकुंवारी पे ही मिलेगी मुझे। तो मैं तो अर्धकुंवारी पर जाने के बाद फिर वहाँ से जाऊँगा, देखते हैं मिलते हैं या नहीं। उसके बाद फिर करने के बाद दर्शन होने के बाद फिर हम वापस आ जाएंगे, सारा करके फिर भैरव बाबा पर भी जाएंगे, नहीं तो अर्धकुंवारी के और रह जाती है, इसलिए हम जाएंगे, देखते हैं फिर क्या करते हैं। ये अंकल की फैमिली है, ये आंटी है, ये इनकी वाइफ है। ये क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सचिव भूषण सिंह। सचिव भूषण, ये यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं यहाँ पर। अभी तक हम अर्धकुंवारी पर ही पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। अब ये सीधा भवन जाने की तैयारी में है और हम वापिस अर्धकुंवारी पे ही रहेंगे। वहाँ पर रहने के बाद फिर हम आगे जाएंगे, आगे से जाके आपको हेलीपैड भी दिखाएंगे। हेलीपैड के बाद फिर हम भवन जाएंगे। तो यहाँ से देखो, चलो चलते जरा, ये यहाँ से चल रहे हैं। देखो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वहाँ पे आने में, लेकिन अंकल बहुत ज़्यादा तेज चल रहे थे। ये सुना रहे जाना,
अभी वहाँ पर ऊपर तक आ गए हैं। लक्की उड्डा के नाम से, जैसे कि आप देख रहे हो हम चलते चलते यहाँ पे अर्धकुंवारी पे पहुँच गए हैं। ये यहाँ पे लिख रखे अर्धकुंवारी, ये अर्धकुंवारी पे हम पहुँच गए हैं। ये लिख रखा अर्धकुंवारी के ऊपर, देखेंगे अभी कितनी भीड़ है या नहीं है, अभी देखेंगे। ये अर्धकुंवारी का ही मंदिर है जो बहुत देर से नीचे से हम चल रहे थे, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप देख रहे हो, ये देखो ये पूरा अर्धकुंवारी का वो है। अभी आगे जाएंगे, ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर अर्धकुंवारी का वो है। हम अर्धकुंवारी पर पहुँच गए हैं। ये अर्धकुंवारी का मंदिर है, ये नहीं पता इस पर यह बहुत ज़्यादा वो है, इन पर बड़ा आएगा या नहीं आएगा। ये देखो अर्धकुंवारी पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर शायद मंदिर के अंदर के कैमरा मोबाइल ले जाना वो नहीं है, अलाउड नहीं है, लेकिन हम देखेंगे क्या करना है। भगवती भवन, ये ऊपर भगवती भवन है, उसे लेकर सारा ये यहाँ तक है। कैमरा पर्स ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर LED लगी हुई है पूरी, आप देख सकते हो पूरा लोकेशन रूम फिर से यहाँ से यहाँ पर पूरा वो है, जैसे कि हम आए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सब खड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं क्या करना है, आगे निकल जाएंगे या हम फिर आएंगे आगे मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। दर्शन के लिए अभी जा रहे हम, बस फिर वहाँ पर पहुँचेंगे, उस पर भवन पर जाएंगे वापस, फिर देखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्धकुंवारी का मंदिर है। यहाँ पे चप्पलें चुप्पे ले जाना, मोबाइल ले जाना, सब करना है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं कैसे ले जाऊँ, मैं ये सोचने लग रहा हूँ। ऐसा क्या था, देखेंगे अंदर क्या है क्या नहीं है, धन्यवाद कर लेकर चले गए। ठीक है, चले जाने के बाद लेकर बाकी इसमें ले जा सकते हो, आपसे कहता हूँ लेकर चले जाएंगे। जैसे कि हम अर्धकुंवारी पर ये पहुंच गए थे, यहाँ पर ये खाने पीने का सामान है। आप मतलब इसकी बैक साइड है, ये बिल्कुल आने का भी रास्ता है, जाने का भी। फिर इसके पीछे देखो ये पहाड़ ही पहाड़ है, वहाँ से लेकर वहाँ तक ये पहाड़ों के बीच में बना हुआ है भवन भी, और ये अर्धकुंवारी का मंदिर भी ये पहाड़ों के बीच में बीचों बीच है। बिल्कुल आप देख सकते हो पहाड़ भी कितने ऊपर ऊपर है, ऊँचे हो गए हैं। अभी हम भवन के लिए निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर यहाँ से भवन के लिए निकलेंगे। निकलने के बाद भवन पे जाने के बाद फिर वहाँ से देखेंगे कितना टाइम लगता है यहाँ पे, तो क्योंकि जो अर्धकुंवारी के अंदर जो गुफा है ना, उस पर एक या दो दिन में पर्ची कटवाने के बाद एक या दो दिन में टाइम आने लग रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, तो इसलिए अर्धकुंवारी की पर्ची आपको पहले ही कटवानी पड़ेगी। इतना आप वहाँ से भैरव उसके भवन के वैष्णो देवी मंदिर के, और भवन है उसके भैरव के, आप हो करके वहाँ से यहाँ आ सकते हो। उसके बाद फिर उसके बाद में कर सकते हो ये इसके दर्शन अर्धकुंवारी के। अर्धकुंवारी के बाद तो फिर आप देखोगे, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं फिर उलन कोटोला में ही जाऊँगा, वहाँ से रोलिया जाएंगी भैरव बाबा के वहाँ पे, जो कि उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक देखते रहिए। हेलो गाइस, ये हाथी के मत्थे की चढ़ाई है। ये सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये सीढ़ियों में थोड़ा सही हो जाता है, लेकिन सीढ़ियों की गिनती बहुत ज़्यादा है। कम से कम ये 1500 तो आराम से हैं, लेकिन चढ़ने वाले चढ़ जाते हैं, हम भी चढ़ रहे हैं आराम से, लेकिन उसके बाद
लो पहुंच ही गए, वहाँ से पहुंच ही गए हैं। अब देखते हैं हाँ कितना और चलनी है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पर। ये हाथी के मत्थे की चढ़ाई है, ये जो इसे पार कर लेता है, पार करने के बाद उसके बाद वो आ जाता है ढलान के, चलना पड़ता है फिर चलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब सीढ़ियों में लग रहा है, जो कि ये हो जाएगी पूरी सीढ़ियाँ पूरी होते ही सही हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। देखते आगे भी सीढ़ियाँ है क्या हैं। ये सीढ़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं, यहाँ से शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा रास्ता कट गया है हमारा। शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा रास्ता कट गया हमारा, ये आधे रास्ते में आ गए सीढ़ियों से, बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए। अब दोबारा जा रहे हैं, आगे और भी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ही जाएंगे। ये घोड़े खींच रहे आने लगे यहाँ पर, देख सकते हो। बहुत देर के बाद हम हाथी मत्थे पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर ये बंदर भी और करने लग रहे हैं शैतानियाँ यहाँ पे। ये देखो हाथी मत्था, ये यहाँ पर पहुँच गए। अब आगे जा रहे हैं हम और आगे, अब हाथी मत्थे तक चढ़ाई के बाद ही आसानी से चढ़ाई हो जाएगी हमारी। हाथी मत्था से यह पूरा हो जाएगा। अब होने के बाद यहाँ तक तो हम पहुँच गए, अब आगे तक सही हो जाएगा। हम ढलान आ जाएगी, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बोल रहे थे बहुत ज़्यादा आया हुआ है, पहुँच जाओगे तो चल ठीक है। फिर हम पैदल ही आए हैं ना किसी की हो, बाकी मम्मी भी आएगी, मम्मी भी देखेंगे पैदल ही आएंगे यहाँ कैसे भी। ये देखो ये अर्धकुंवारी दिख रही है सामने वाली, ये देखो ये पहुँच गए हाथियों तेर तक। यहाँ पर प्रसाद 1000 मीटर पर यानी 1 किलोमीटर पर प्रसाद मिल रहा है, अभी वो लेंगे फिर चढ़ाएंगे वहाँ पर। प्रसाद लेने के बाद फिर देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि हम इतने ऊपर आ गए कि भवन के ऊपर आ गए हैं, मतलब भवन के माता रानी के भवन के वहाँ से आने से पहले उसके बीच में है। यहाँ पे चंद्रमा भी बिल्कुल नीचे ही दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो आसमान से ये वाला, आप ये देख सकते हो वहाँ से वहाँ तक चल रहा है। आप देख सकते हो कि हलवा और प्रसाद की एंट्री, हलवा प्रसाद और चने मिलते हैं यहाँ पे प्रसाद में, प्रसाद ये यहाँ से यहाँ तक है, मतलब एंट्री आया तो हमने प्रसाद और हलवे में प्रसाद चाय और खा लिया है, चने खा लिए हैं। अब हम फिर वापस यात्रा करने के लिए दोबारा फिर से हम तैयारी कर रहे हैं और जा रहे हैं, देखते हैं। और रात बहुत हो गई है, ठंड भी लगने लग गई है। अब देखो अभी भी दो किलो वापस आने लग रहे हैं, दर्शन करके आ गए हैं घोड़े आ रही है। देखो ये रास्ते में बहुत ज़्यादा बंदर हैं यहाँ पर, इन्हें ना ही तो खाना देना है ना ही कुछ, अगर देंगे तो ये पीछे आएंगे, तो इसे ना ही छेड़ना होता ना ही कुछ, अगर छेड़ेंगे तो काट भी लेते हैं लेकिन आराम से कुछ और नहीं करेंगे, हम आराम से जाने लग रहे हैं।
लेकिन इन्हें खाना वगैरह नहीं देना चाहिए, सख्त मना है ये। अब डलाई डलाई का नीचे रास्ता आ गया है, अब चढ़ाई खत्म होगी भाई, अब उतरना उतरना है, अब नीचे उतरना उतरना है। तो 3 किलोमीटर रहेगा ये, यहाँ से 3 किलोमीटर कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, जैसे कि हम सुबह से चले हुए हैं, सुबह 12:30 या 11:30 बजे चले हुए थे, तो लेकिन हम 7 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। आखिरकार हम यहाँ पर माता के उसमें आ ही गए मंदिर में लास्ट में। लेकिन ये ना धर्मशालाएँ हैं और होटल है, यहाँ पे सिर्फ स्नान होएगा और यहाँ पे मतलब लॉकर वगैरह मिलेगा सोने के लिए, कम्बल सोने के लिए मिलेंगे, रेस्टोरेंट ले सकते हैं जैसे भी है। लेकिन मंदिर के दर्शन करने के लिए अभी कपाट खोल दिए, मतलब लाइन लगी हुई थी बहुत लंबी, उसके अंदर मोबाइल पर्स और बहुत सारी चीज़ें बैग वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ की वीडियो नहीं बनेगी। तो इसके बिल्कुल जस्ट पीछे ही बता रहे हैं अंदर के ले जाएंगे गुफा पे के, तो उसके साथ में के ये बन जाएगा फिर। तो इसलिए आखिर में मतलब टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद अब मंदिर के में सिर्फ दर्शन होएंगे, वहाँ पे वीडियो नहीं बनेगी, ये दिक्कत। अगर वीडियो भी बनाना देते होते तो ठीक हो जाता, लेकिन ले जाने कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ पानी की बोतल और प्रसाद लेके जा रहे बच्चे। अब देखेंगे कैसे भी करके मोबाइल ले जाया गया तो ले जाएंगे, नहीं तो नहीं। ये आप देख सकते हो, ये पूरा पीछे से लाइटिंग वगैरह है, अच्छा यहाँ पे ये स्नानघर है, यह पुरुषों का स्नानघर है, ये ऊपर स्नानघर है, नीचे मतलब नहा के ही स्नान करने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है कि अंदर कुछ नहीं ले जाने देंगे, नहीं फ़ोन नहीं कुछ, नहीं तो सब कुछ बगा देंगे। ये बोल रहे हैं किसी से मैंने पता किया था, और लोकरों की भी और होटलों की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे, एक एक महीना पहले रूम बुक हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे रूम भी नहीं मिल रहा, नहीं लॉकर मिल रहा, तो अभी देखते हैं हम क्या करेंगे, नहाएंगे या बिना नहाए दर्शन करने जाएंगे। लेकिन बैग तो फिर भी रखना पड़ेगा, फिर भी देखते हैं, चलो करते हैं, फिर कंबल मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। जैसे कि हम रात को सो गए थे, हमें यहाँ पे गिन के रहा, गिन के पैसे पहले ले लिए थे, लेने के बाद वापस दे रहे हैं। दर्शन के लिए जा रहे हैं, वहाँ से टोलिया जाएगी क्योंकि थकावट बहुत ज्यादा हो गई है। आप देख सकते हो जाने के बाद आप जो ये देख रहे हैं, ये काली माँ का भवन है वैष्णो देवी में, इसी के अंदर से एंट्री होती है, फिर उसके अंदर जाने के बाद मूर्तियाँ हैं कई, वहाँ पे अंदर कैमरा नहीं ले जाने दिया, फ़ोन में नहीं ले जाने दिया, इसलिए दर्शन करने के बाद ही वापस आ गए थे हम। तो ये सारा जो दिख रहा ना, जैसे काली का भवन है, इसके अंदर से जाने के बाद माँ वैष्णो देवी की वो लगी हुई है, फोटो वगैरह है, एक तो बड़ी है मूर्ति है बहुत बड़ी गोल्ड की है, और उसके अंदर पहाड़ की है, और फिर उसके ये जैसे जस्ट पीछे जाओगे तो गुफा है, गुफा के दर्शन करते हैं, तो उसके अंदर तीनों माता, काली माता, वैष्णो माता, एक और शीतला माता, ये तीनों की मूर्ति उसी के साथ है, के साथ में ये इसके पीछे। तो अंदर जाने देते तो हम आपको दिखाते हैं, तो मैं ये थोड़ा सा दूर से ही दिखा रहा हूँ आपका, काली का भवन है ये, इस पर लिख रखा है वैसे वैष्णो देवी भवन है, सारे नारे में भी ऐसे ही बोल रहे थे। तो ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी हम भैरव बाबा के भी दर्शन करने जा रहे हैं, तो हम आपकी उसके भी ट्रॉली की भी और वो दर्शन की भी फोटो आपको जरूर दिखाएंगे। यहाँ से जो आप देख रहे हैं भैरव बाबा के दर्शनों के लिए, वहाँ पर ये जो तारे लगी हुई है देख रहे हैं ट्रॉलियों की है, यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएगी। ऐसे ये पूरा वो है माता रानी के जो यात्रा है, मतलब दर्शन करने जाती है, उसकी लाइन लगी हुई है।
यहाँ से यहाँ तक उसके अंदर देख रहे हो, और ये इसके ऊपर ही देखो आप कितना दूर तक ऊंचा ऊंचा पहाड़ है यहाँ पे, देखो ये देखो पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। और ये उसके उसके पीछे से जो एक और ट्रॉली गई है देखो सामान वगैरह ले जाने के लिए, वहीं से हेलीकॉप्टर जाते हैं वहीं पे उनका ट्रैक बना हुआ है। ये पीछे वहाँ का भवन करने के लिए मैं होते हैं, देखो ये वहाँ का जहाँ अंदर आप देख सकते हो कितनी गहरी खाई है, हम बहुत ऊपर आए हुए हैं। तो ये पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, इनके दर्शन करना आप करते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप नई न्यू अपडेट बता रहे हैं जो भी है सब कुछ है। हेलो दोस्तों, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि मंदिर की दर्शन नहीं हो रहे हैं, मतलब बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये दूर से भैरव बाबा के रास्ता है यहाँ से, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है ये पूरा मंदिर है जो जहाँ पे वैष्णो देवी है और कालका जी मंदिर है, ये सारा इकट्ठा यही है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जूम करके दिखा रहे हैं, तो ये पूरा मंदिर ही है जो मैं बता रहा था आपको कि अंदर से नहीं दिखाई दे रही है। ये इस साइड भी देखो, तो आपके पूरे मंदिर के दर्शन मैं करा रहा हूँ, दर्शन करते रहिए, जय माता दी बोलते रहिए और चलते रहिए। ये आप देखो ऊपर से ये मतलब दूर से दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, देखो ये इधर भैरव बाबा का हुआ है अंतिम, ये भैरव बाबा का रास्ता यहाँ से जाने के लिए, और ये वो है ये वैष्णो देवी का मंदिर है, कालका का मंदिर है ये। अब तो कालका जी का भी न्यू मंदिर बन गया, ऊपर भी एक देखो आप देख रहे हो, देख सकते हो और एंजॉय करते रहे ना, करते दर्शन करते रहो, जय माता की बोलते रहो, जय माता दी। इधर से तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये भैरव का जाने का रास्ता है यहाँ से, तो यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे दर्शन अच्छे हो जाएंगे आपके, ये देखो ये पूरा ही दिखता है यहाँ से, देखो आप पूरा दिख गया, ये पूरा मंदिर है यहाँ से नीचे से लेकर वहाँ तक ऊपर तक आप देख सकते हो, देखो ठीक है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो वैष्णो देवी के, वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के बाद जो भी है कि भैरव बाबा तक जब तक जो भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो जाते जब तक ये यात्रा सफल नहीं मानी जाती, तो हम भैरव बाबा की यात्रा करने के लिए इसमें ट्रॉली से जाएंगे, ये कार की हो ये देखो, इससे जाएंगे, अभी हमारी एंट्री हो जाएगी, हमने टिकट ले लिया जो कि टिकट आने जाने का एक बंदे का 100 रुपये का टिकट है, आप जाओ तो इसमें भी जा सकते हो और आ भी सकते हो भैरव बाबा के उस पर, जो कि जल्दी ये पहुँचा देते हैं, आगे आगे हम आपको दिखाते रहते हैं। ये देखो आप ये देखते रहो, ये यहाँ से ही चलेंगे, ये इनके पास ट्रोलियाँ थोड़ी कम है, ट्रोलियाँ सिर्फ दो ही हैं, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के जा रहे हैं, एक एक ट्रॉली में कम से कम 20-25 बंदे एक टाइम में आ जाते हैं, तो अभी भी हम भी जाएंगे, देखो कितनी देर में नंबर आता है, तो फिर वीडियो बनाएंगे वहाँ से जाते वक्त, फिर कितना मज़ा आता है ये भी हम आपको बताएंगे, आगे देखते हैं। ये दर्शन करने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, आप देखते रहिए, ये देखो ये जाने लग गई, अब ऐसे जाएगी अब धीरे धीरे स्लोली जाएगी ऐसे, एकदम ऐसे ऐसे स्लोली जाने के बाद ये जाने लग रही है, ये देखो ये यहाँ पे पहुँच गए, देखो ये वहाँ पे पहुँच गई है,
अब एक दूसरी आ जाएगी, दो ही आएगी, बहुत ज़्यादा ऊँचाई है वैसे, अच्छा लगेगा।